फिफ्थ आई एम योर मैथ टीचर मिसेज अंशुपाल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल्स। पार्ट्स मतलब भाग और होल्स, होल मीन्स पूरा। एक होल का मतलब छेक भी होता है। अवर फ्लैग, आपने कभी अपना झंडा देखा है अपने देश का? ये देखिए, ये है ना। यू मस्ट हैव सीन द फ्लैग ऑफ अवर कंट्री। डू यू नो हाउ टू ड्रॉ द फ्लैग? आप सब ने देखा तो है ना, स्कूल में देखा है। तो आपको पता है झंडा कैसे बनाते हैं? पता है, डॉट रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। एक हमें रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल में जिसके आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, उसकी लेंथ होनी चाहिए 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ कितनी होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर। डिवाइड इट इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। उसको 3 बराबर भागों में बांटना है एंड कम्प्लीट द फ्लैग, और फ्लैग को कंप्लीट करना है। तो पता चल गया ना, ऐसे 9 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है, 6 इधर से 9 इधर से, उसको 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में भाग करना है। फिर क्या बन जाएगा हमारा? फ्लैग। यही है हमारा चैप्टर, इक्वल भाग में बांटना, इक्वल ट्रायंगल। आप क्या करेंगे? फ्लैग ड्रॉ करेंगे, ये चैप्टर का नाम लिखेंगे पार्ट्स एंड होल्स। और यही सब करेंगे। 6 पार्ट ऑफ ए रेक्टेंगल ये करेंगे। रानी हैज़ डिवाइडेड अ ग्रीन रेक्टेंगल इंटू 6 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस। रानी ने एक रेक्टेंगल बनाया, देखो आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, और उसको 6 इक्वल पार्ट में भाग कर दिया, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, नाउ यू डिवाइड ईच ऑफ दिस रेक्टेंगल इंटू 6 इक्वल पार्ट्स, यूज अ डिफरेंट वे फॉर ईच ऑफ द 3 रेक्टेंगल्स। ये सब ऐसी है। हम इसकी वर्कबुक फिल करेंगे, ठीक है। आप बस कॉपी में थोड़ा सा काम कर लेना, बाकी हम वर्कबुक में करेंगे। ओके क्लास।